What's up, यारो? Welcome to our YouTube channel, YJ Vlogs. Good morning, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा कि हम कहाँ पर हैं। हम सरोवर नगरी नैनीताल पहुँच चुके हैं। धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। मेरा जी का तो काम है, तो मैं आज आपको पूरी मार्केट घुमाऊंगी। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपको माल रोड तो मैंने दिखा रखी है, और उसके बाद आपको भोटिया मार्केट, पूरी मार्केट और एक बड़ा बाजार है यहाँ पर बहुत फेमस, वहाँ समोसे और गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी आपको दिखाने वाली हूँ मैं। तो चलिए मेरे साथ घूमिए आज नैनीताल की खूबसूरत वादियों में। स्नोफॉल के बाद ना भीड़ बहुत हो चुकी है, और स्नो ही स्नो हर जगह हो रखी है, तो आपको स्नो भी दिखाऊंगी मैं, बहुत प्यारी थी। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। बहुत खतरनाक बर्फ पड़ी है, ये देखो बर्फ का एक पहाड़। यहाँ पर टोल वोल होता है कार्स का, बट हम कार में नहीं आए, हम बाइक से आए, तो हमें टोल नहीं देना पड़ा। तो ये आ गया हमारा खूबसूरत सा नैनीताल। अब हम यहाँ घूमेंगे माल रोड में और वो भोटिया मार्केट में, सब आपको दिखाऊंगी मैं मस्त वाली चीज़ें। ये देखो बर्फ का पहाड़ छोटा सा। मेहरा जी अभी कुछ काम से गए हुए हैं, तो मैं नैनीताल में घूम रही हूँ रोड पे। देखो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर आपको बिरयानी वगैरह सब मिल जाएंगी। इधर से रास्ता है, देखिए मल्लीताल है ये भी। अभी जब हम जहाँ से आए वो तल्लीताल था, और जब अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं मल्लीताल है। यहाँ पर ये कोतवाली और इसके बगल में स्टेडियम, और पार्किंग भी यहीं पर है। पैदल मतलब आप नैनीताल पूरा आराम से घूम सकते हैं, 2-3 किलोमीटर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी मेहरा जी मुझे छोड़ के चले गए, तो मैं चलने में लगी हूँ, 1-2 किलोमीटर चल चुकी हूँ। काफ़ी मज़ा आता है नैनीताल में, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं देखने को, आप देखते देखते आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ तक पहुँचिए। और बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आ रखे हैं यहाँ पर, वो देखो पार्किंग फुल हो गई है पूरी अच्छे से। तो बस यहाँ से हम चलते हैं मार्केट को, थोड़ा आप लोगों को मार्केट घुमा देती हूँ यहाँ का, भोटिया मार्केट। अगर आपको लाइव स्नोफॉल देखना है तो आप हमारा लास्ट ब्लॉग देख सकते हैं, उसमें हमने लाइव स्नोफॉल का ब्लॉग बनाया है। गाड़ियों के नीचे बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ये यहाँ की स्ट्रीट मार्केट, आप ले सकते हैं यहाँ से, ये 300-400-500 के रेंज में होते हैं। ये देखो स्नोफॉल, जबकि आप देख सकते हो ये भोटिया मार्केट है, भोटिया मार्केट के पास इतने ज़्यादा स्नो पड़ी है, बाबा खतरनाक। ये है भोटिया मार्केट, अभी लगी रही है क्योंकि मैं सुबह सुबह पहुंच चुकी हूँ। ये देखिए ऐसे पोंचे वगैरह मिल रहे हैं, शॉल्स मिल रहे हैं मस्त मस्त वाले। आगे दिख रहा होगा नैना देवी टेम्पल, और ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा मार्केट। आज देखो यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ी है, ये जबकि इतनी तेज़ धूप आ रही है फिर भी इतनी पिघली नहीं है, इसका मतलब कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ होगा, ये देख सकते हो आप। मैं चलती हूँ अभी नैना देवी टेम्पल। नैनीताल आए हैं तो आपको नैना देवी टेम्पल तो जाना बनता ही है, बहुत ही खूबसूरत है नैना देवी टेम्पल, बिल्कुल ताल के बगल में मंदिर है, बहुत सुंदर। बर्फ़ देखो, जय माता दी, वो सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, फिर नंदा देवी माता का। ये देखो नैना देवी टेम्पल, होगा नैना देवी टेम्पल। अभी मैं हूँ नैना देवी टेम्पल पर, तो आप जो भी विश मांगनी है फटाफट मांग लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो देखिए कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है, मुझे लग रहा है नंदा देवी से सारी जो बर्फ़ है इकट्ठा करके एक जगह पे कर दिए इकट्ठा। ये देखो ये चारों तरफ मंदिर का व्यू, जय हो नंदा देवी माता, हम इसी तरह आपके पास आते रहें और सबको दर्शन कराते रहें। तो चलते हैं बाहर, बर्फ के बाद ये जो धूप निकली ना ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए अभी मार्केट लग रही है, ये लोग लगा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह हो रखी है, अभी मार्केट सही से लगी नहीं हुई है, नहीं तो यहाँ बहुत चहल पहल जाती है और बहुत मज़ा आता है। ये देखिए इयरिंग्स, मुझे तो इयरिंग्स से मन ही नहीं भरता, मैं इतने सारे इयरिंग्स ले जाती हूँ यहाँ से फिर भी मेरा मन नहीं भरता। देखो ये बच्चा बर्फ़ में खेल रहा है, अरे वाह इतनी सारी बर्फ़, ठंडा नहीं लग रहा तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? खेलोगे? ये देखो ये बच्चा बर्फ़ के अंदर खेलने में लगा हुआ है। ये देखिए स्नोफॉल के बाद फिर से रौनक लौट आई है, लोग दिख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर,
सब शायद स्नोफॉल देखने के लिए आए होंगे, और अभी इतनी प्यारी धूप खिली है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो इन लोग का बिजनेस है वो इसी वजह से टूरिस्ट से ही है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो अच्छा इन लोगों का कमाई वगैरह हो जाती है, बट अगर टूरिस्ट ना आए तो फिर थोड़ा सा इन लोग को प्रॉब्लम होती है। देखिए भुट्टे वगैरह इस तरह से लगाए हैं, और यहाँ पर ये जो बन मस्का वगैरह, बन आमलेट वगैरह मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर फेमस है। और इस तरह से बच्चों के लिए गाड़ियाँ भी मिलती हैं जिसमें आप बच्चे को घुमा सकते हैं। आपके बच्चे अगर आपके साथ आएंगे ना तो ज़रूर करेंगे इसमें बैठा लो, क्योंकि हमारा अंशु भी आता था ना जब छोटा था थोड़ा, तो बोलता था इस गाड़ी में बैठ के जाऊँगा। यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पीने का ना अलग ही मज़ा है। कितने की जरूरत है कॉफ़ी? अच्छा चाय भी है, कॉफ़ी चलो फिर पीते हैं, एक बना दो। तो ये आ चुकी है मेरी कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, नैना जी है नहीं और मैं यहाँ पर मस्त से बैठ के कॉफ़ी पी रही हूँ। उसके बाद अभी हम जाएंगे बर्फ़ देखने के लिए। तो भैया ने बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाई। ये देखो यहाँ पर ये गुड़िया के बाल मिल रहे हैं, पिंक कलर, ब्लू कलर, पहले पिंक ही आते थे अब ब्लू भी आने लग गए ना। और ये देखिए कितनी सारी भीड़ हो चुकी है पर्यटकों की, सब फोटो सेशन कर रहे हैं। तो भैया हेड ऑफिस से आ गया है फ़ोन, मेरा जी कह रहे हैं भैया वापस आओ जल्दी जल्दी। तो मेरी मार्केट की जो विज़िट थी वो हो गई पूरी, आपको आपने देखा ही होगा मैंने एक कॉफ़ी पी मस्त तरीके से और पूरी विंडो शॉपिंग करी। तो अब चलते हैं वापस जहाँ पर मुझे मिलेंगे मेरा जी और हम करेंगे खूब सारे मज़े। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ जहाँ पर बहुत ही फेमस नमकीन मिलती है और जलेबी मिलती है वाली शॉप में, और उसी के आसपास में एक समोसे की शॉप भी बहुत अच्छी है जहाँ पर बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन और समोसे मिलते हैं। तो चलते हैं, मैं जब भी यहाँ आती हूँ हमेशा वहाँ समोसे और जलेबी, जलेबी तो मेहरा जी खाते हैं, समोसे और गुलाब जामुन मैं खाती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। और आपको पता है यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी थी ना सबकी छतों में बर्फ़ से भर गया था, तो वह पिघल पिघल के गिर रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। ये गलियों गलियों से निकल रही हूँ मैं। ये देखो ये जलेबी की शॉप है, फेमस जलेबी की शॉप, और इसी के बगल में है नमकीन की शॉप। ये देखो यहाँ मिलती है फेमस नमकीन, अभी जा तक ले जाएंगे, पहले समोसे खा के आती हूँ मैं। तो मतलब ये नैनीताल का अंदर का एरिया जहाँ पर बहुत ही देखो कितना कंजेस्टेड है, ऐसे यहाँ से रास्ते निकलते हैं मस्त वाले, यहाँ से अंदर को समोसे की शॉप। तो चलते हैं आगे, ये है बड़ा बाज़ार। ओ माय गॉड मैं तो भीग गई, यहाँ पर पानी ऐसे गिर रहा है ना ऊपर से क्योंकि पिघल रही है बर्फ़, तो वो सब पानी बन के गिर रही है। चलते हैं फेमस समोसे की जहाँ, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्योंकि एक बज चुका है, वो बोल रहे थे कि 12 एक बजे तक ही हमारे पास रहते हैं समोसे, तो दुकान याद भी नहीं आ रही। मेहरा जी के साथ आती हूँ, वो हमेशा वहीं सीधे ले जा लेते हैं, आज मैं अकेले हूँ तो मुझे ढूँढनी पड़ेगी शॉप। ये है महालक्ष्मी स्वीट्स। फ्रेंड्स मैं थोड़ा लेट हो गया मुझे, तो समोसे तो हो गए ख़त्म, तो अब मैं खा रही हूँ मकपारे और गुलाब जामुन, तो देखते हैं टेस्टी हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मेरे टेस्टी से गुलाब जामुन, तो मैं अब खा रही हूँ गुलाब जामुन, बहुत टेस्टी होते हैं गुलाब जामुन। Few moments later. तो ये देखिए रोड कैसी हो रही है बर्फ से बिल्कुल फुल, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अब यहाँ से देखो बर्फ में चल के जाना पड़ रहा है, बहुत ही फिसलन हो रही है, देख सकते हो आप वाइट आई बिल्कुल ब्लैक हो रही है। अब वहाँ जाती हूँ मैं सीधे मार्केट पे, वहाँ मिलेंगे मुझे मेहरा जी। ये देखो एक बड़ा बाजार है, जूते चप्पल कपड़े सब कुछ है यहाँ पर, तो मैंने आज आपको वाली मार्केट की जगह बड़ा बाजार वाली मार्केट पर दिखा दी। तो फ्रेंड ये यहाँ का रिक्शा स्टैंड है और मेहरा जी मेरा वेट वो आगे माल रोड पे कर रहे हैं, तो मैं बहुत तेज स्पीड में चल रही हूँ, आपको पता चल ही रहा होगा कितनी जल्दी मैं कहाँ पहुँच गई। अभी मैं समोसे की दुकान पे थी और मैं फटाफट माल रोड पे पहुँचने वाली हूँ। ये मिल गए मेहरा जी, कहाँ से चल के कहाँ पहुँच गई मैं स्पीड में, मज़ा आ गया चल के, दो गुलाब जामुन सूख के आ गई मैं। तो काफ़ी मज़े किए हम लोगों ने नहीं मैंने मेरा जी तो काम में थे, सारा मज़े मैंने लिए।